पुरस्कार देने वालों को स्टार दे रहा है, क्रिटिक्स का क्रिटिक। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे चूप के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या फ्लॉप। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 850 स्क्रीन के साथ 23 सितंबर को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में सनी देओल, दुलकर सलमान, श्रेया धन्वंतरी, पूजा भट्ट, सरान्या पुनावर्णन, हैरी मेना नजर आए थे। इस फिल्म को आर बल्की ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी थी। अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 2,87,00,000 का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 9,50,00,000 का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 13,16,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 14,70,00,000 का लाइफटाइम नेट कलेक्शन किया था तो 17,96,00,000 का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 2,15,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 20,11,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 13 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में एवरेज साबित हुई थी। इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट नहीं हो पाई, ये एक अंडररेटेड मूवी बनकर रह गई। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.4 रेटिंग मिले। वैसे दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।